एक आंटी और अंकल आए हैं, दोनों को एक जैसा मसला है, लेकिन अंकल का मसला यह है कि उनको ना फैटी लिवर है, यानी कि इधर दिखाओ, उनके जिगर पर फैट आई हुई है, ठीक है, और फैटी लिवर के साथ उनको एच पायलोराई भी है, ठीक है। अब इन चीज़ों को आप हैरान होंगे कि मैं ये क्यों रख के बैठा हूँ, कैमरा इधर लाओ, ये क्या है, क्रीम लिया भाई, क्रीम लिया, स्टिंक, ठीक है। अब आंटी ने मुझे बताया कि बहुत स्टिंक पीते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं, बहुत पीते हैं, और ये कह रही हैं कि अंकल को ये बकायदा तौर पर यारों दोस्तों को बुला के महफिल जमा के स्टिंक पीते हैं। किस किस तरह, कोई इसमें कुछ मिलाते भी हैं, बस ऐसे पीते हैं, सिंपल स्टिंक पीते हैं, और दिन में कितनी पी लेते हैं, वो कह रही हैं 4-5, वो कहते हैं 2-3, क्या बहुत मज़ा आता है पी के, कोई एडिक्शन है, हर दफ़ा गैस होती, जो मैदा बाहर निकल आया, वो जो जिगर पे चर्बी आ गई है, वो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इन स्पेशली ये मैं स्टिंग वाले मुझसे नाराज़ ना हो जाएं, ये मैं हर एनर्जी ड्रिंक के लिए बात कर रहा हूँ, इसमें शुगर है, एसिड रेगुलेटर्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, इमल्सीफायर है, टोरिन है, प्रिजर्वेटिव कलर है, इनोसिटोल है, और साथ इन्होंने कहा हुआ है जी हमने जिनसिंग पाउडर डाला हुआ है। जो जिनसिंग पाउडर है, पता है ये किन दवाइयों में इस्तेमाल होता है, ये मर्दाना कमज़ोरी जो होती है ना, जिनको उनको दूर करने के लिए वो स्टिंग ज़्यादा ना लोग यूज़ शुरू कर दें, ये जिनसिंग पाउडर उसमें भी यूज़ हुआ होता है। तो होता क्या है, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि हाई कैफीन ड्रिंक है, यानी कि इसमें जागे रहने की इंसान को सलाहियत बहुत ज़्यादा है, और साथ इसमें नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन, हामला खवातीन और बच्चे ना पिए, जबकि बच्चे फीडर में डाल के पीते हैं पाकिस्तान में। उसके बाद लिखता है कि अंडर एज ऑफ 12 ये ना इस्तेमाल करें, ठीक है, बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन 12 साल के बच्चे, आपको नहीं पता, आप बताएं, आप जो वीडियोस देख रहे हैं, आप में से कितनों के बच्चे 12 साल से कम हैं जो स्टिंग पी चुके हैं, खुद हाथ खड़ा करें कमेंट्स में, कितनों के बच्चे 12 साल से पीछे हैं जो स्टिंग पी चुके हैं, और वो लोग जिन्हें कैफीन से एलर्जी है वो नहीं लेते। और इस एक बोतल में, ये जो आम आप पेप्सी और 7-Up की बोतल पीते हैं ना, उसमें 120 कैलरीज होती हैं, इसमें तकरीबन 180 के करीब 300 ml में कैलरीज हैं, हाई शुगरी कंटेंट है। दूसरा, ये डिप्रेशन करती है, नींद नहीं आने देती, रात सोना चाहें आपको अवेक रखती है, एंजाइटी करती है, डिप्रेशन करती है, और सबसे बढ़ के इनका पेट हरम गेट हुआ हुआ है, मतलब अच्छा खासा बाहर निकला हुआ है। इनका वज़न जो है वो मेरे पास रिपोर्ट हुआ है 80 kg तकरीबन, और हाइट कम है, तो इनका BMI बहुत 30 से ऊपर होगा, क्योंकि वेट और हाइट के स्केयर का रेशो है BMI। तो ये जिन्हें हम समझते हैं सहल, वो सहल होती नहीं है, दे आर सो प्रॉब्लमेटिक। तो मैं ये बार बार आपको कहता हूँ, अब वो मेरे पास आए हैं जी, मुझे हाजमे के मसले हैं, मैं हाजमे के मसलों के लिए पीता हूँ, ये एक विशिशियस साइकिल है, यानी गुनाह दर गुनाह, आप एक चीज़ गलत करते हैं, फिर आप गलत पे गलत करते जाते हैं, यानी आपने पी, चीनी ली, फिर आप मोटे हुए, फिर हाजमे के मसले शुरू हो गए, मोटापे की वजह से वर्जिश से दूर चले गए, एक्सरसाइज से दूर चले गए। सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते, सिगरेट भी पीते हैं, कितनी पीते हैं सिगरेट दिन में, एक डब्बी, और साथ स्टिंग चढ़ाते जाते हैं, सिगरेट भी पीते हैं साथ स्टिंग भी चढ़ाते हैं। तो ये याद रखें कि हमारी चाय कितनी पीते हैं दिन में, चाय नहीं पीते। ये जो हमारी एडिक्टिव हैबिट्स हैं ना, ये आपको ख़राब कर रही हैं। हमें अपने डाइटरी पैटर्न्स को ठीक करना होगा, हमें ये बात बतानी होगी कि हम कहाँ गलत हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं अपनी सेहत के साथ। और ये एक विशिशियस साइकिल है, मतलब चीनी पी, मोटापा आया, वर्जिश से भाग गए, भूख ज़्यादा लगी, रात नींद नहीं आई, डिप्रेशन शुरू हो गई, फिर चर लिया, और वज़न आया, और मैदे के मसले शुरू हो गए। तो जब ये सारा कुछ ये करते हैं, तो अल्टीमेटली ये एंटर हो जाते हैं डिज़ास्ट्रस सिचुएशन में, और वजह और कोई नहीं है, ये स्टिंग ना किया तो फिर क्या जिया, ऐसे ही है ना। बाय, मैं फिर कोई ब्रांड इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपको कहते हैं ना डू द ड्यू, वो आपके साथ डू नहीं होता, वो डू नॉट होता है। तो अपनी ज़िंदगी को सहल करें, अपनी ज़िंदगी से शुगरी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को कम करें। मैं बिल्कुल भी स्टिंग के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, मैं एक्सेसिव यूज़ ऑफ एनी एनर्जी ड्रिंक, एनी कार्बोनेटेड ड्रिंक, एनी ड्रिंक विद शुगर,
जिसमें चीनी भरी हुई हो, मैं उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ। मेरे टेबल पे ये पड़ा होता है, ये मैं कोई ब्रांड अगेन इंडोर्स नहीं कर रहा, अभी मैंने इनके सामने मुरिंगा खाया है, ठीक है, मैं दिन में 3-4 कैप्सूल खा जाता हूँ मुरिंगा के, सुहांजना है और क्या है, पत्ते हैं, सुहांजना बंदा बकरे की तरह भी चल सकता है। तो एनीवेज ये खा लिया, और मैंने इनको अभी कहा है, मैंने रखा होता है एक्स्ट्रा वर्जिन, किसी कंपनी इंडोर्स नहीं कर रहा, बस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में, तो पता भी नहीं किस कंपनी की। तो ये चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में रखेंगे तो आप अपनी लाइफ को सहल करेंगे। अवॉइड दिस। थैंक यू वेरी मच।